ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का साइलेंट फीचर है। हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 1990 में लॉन्च हुआ था। ह्यूमन जीनोम टोटल 3164.7 मिलियन बेस पेयर से बना होता है। आपको पता है कि ह्यूमन जीनोम में बेस पेयर कितना होता है? 3.6 × 10⁻⁹ बेस पेयर। कितना बेस पेयर होता है? तो मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना हुआ? 3 बिलियन बेस पेयर हुआ। ओके, और एक्यूरेट देखा जाए तो 3164.7 मिलियन बेस पेयर ह्यूमन जीनोम में पाया जाता है। ओके, सेकेंड चीज देखिए, एवरेज जीन ह्यूमन जीन 3000 बेसेस से बना होता है। एवरेज जीन में ज्यादातर जीन ना 3000 बेसेस से बना होता है। ज्यादातर जीन कितना बेसेस से बना होता है? 3000 बेस से बना होता है। लेकिन ये नंबर ना वेरी भी कर सकता है। वेरी मीन्स ह्यूमन का लार्जेस्ट जीन होता है डिस्ट्रोफिन, और डिस्ट्रोफिन में 2.4 मिलियन बेसेस पाया जाता है। ओके, कितना बेसेस पाया जाता है? 2.4 मिलियन बेसेस पाया जाता है। ओके, तो देखिए कितना एवरेज जीन में 3000 बेसेस नहीं पाया जाएगा, लेकिन डिस्ट्रोफिन में कितना? 2.4 मिलियन बेसेस पाया जा रहा है। मतलब काफी डिफरेंस है ना। तो इट कैन वेरी ग्रेटली। शुरू शुरू में ये एस्टिमेट किया गया था कि टोटल जीन 80,000 से 140,000 तक है। शुरू शुरू में कितना जीन एस्टिमेट किया गया था? 80,000 to 140,000। लेकिन अभी ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि जीन टोटल 30,000 ही है। अभी एस्टिमेट कितना है? जीन टोटल 30,000 ही है। मतलब अभी बहुत कम है। पहले जितना एज्यूम किया गया था जीन के बारे में, उतना जीन नहीं है। वहां तक कितना जीन है? 30,000 ही जीन है। ओके, जितना भी जीन डिस्कवर्ड है उसमें से 50% से ज्यादा जीन का फंक्शन किसी को पता नहीं है। मतलब रिसर्च चल रहा है, ठीक ना? तो फंक्शन ऑफ मोर देन 50% जीन आर अननोन। ओके, 50% से ज्यादा जीन का फंक्शन क्या है? अननोन है। जितना जीनोम है तो 2% जीनोम ही प्रोटीन के लिए कोड करता है। हम सभी को पता है कि डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। तो टोटल जीनोम का कितना परसेंट प्रोटीन के लिए कोड करेगा? 2% जीनोम कोड फॉर प्रोटीन। ओके, हमारे डीएनए में रिपीटेटिव सीक्वेंस बहुत ज्यादा पाया जाता है। ह्यूमन डीएनए में रिपीटेटिव सीक्वेंस ही मेक लार्ज पर्सन ऑफ द ह्यूमन डीएनए। अब रिपीटेटिव सीक्वेंस क्या हुआ? 80 CD 80 CD 80 CD। एक ही सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रहा है, इसको बोलेंगे रिपीटेटिव सीक्वेंस। ओके, रिपीटेटिव सीक्वेंस ह्यूमन डीएनए का लार्ज पोर्शन बनाता है, ठीक है? अब जैसे मान लीजिए दूसरा सीक्वेंस में बना था, उसमें हम यहाँ दे दिया ए टी सी जी डी ए टी सी सी जी, वहाँ पे देखिए रिपीट हो रहा है सीक्वेंस क्या? कोई सीक्वेंस रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ पे सीक्वेंस रिपीट हो रहा है। ए टी सी जी ए टी सी जी ए टी सी जी, इसी तरह उसको बोलेंगे रिपीटेटिव सीक्वेंस। तो कौन सा सीक्वेंस बोलेंगे? रिपीटेटिव सीक्वेंस। तो ह्यूमन का जो डीएनए होता है इसमें ज्यादातर रिपीटेटिव सीक्वेंस ही पाया जाता है। ओके, तो रिपीटेटिव सीक्वेंस मेक लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन डीएनए, ह्यूमन जीनोम। ओके, अब समझ में आए? तो रिपीटेटिव सीक्वेंस किसको कहेंगे? स्ट्रेट ऑफ डीएनए, स्ट्रेट ऑफ डीएनए सीक्वेंस विच रिपीटेड मेनी टाइम्स। डीएनए सीक्वेंस, डीएनए स्ट्रेट का वैसा सीक्वेंस जो बहुत बार रिपीट होता है, उसको कहा जाता है रिपीटेड सीक्वेंस या रिपीटेटिव सीक्वेंस। ओके, और ऐसा माना जाता है कि ये ना 100 से 1000 टाइम्स तक रिपीट हो सकता है। रिपीटेटिव सीक्वेंस 100 से 1000 टाइम्स तक रिपीट हो सकता है। ओके, और ये चीज देखिए, रिपीटेटिव सीक्वेंस के बारे में बोला जाता है कि रिपीटेटिव सीक्वेंस किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं
नहीं करता है। देखिए दे आर थॉट टू बी नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन। तो फिर आप कहेंगे सर रिपीटेटिव सीक्वेंस का काम क्या है? तो रिपीटेटिव सीक्वेंस क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के लिए जरूरी है। ओके, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम के इवोल्यूशन के लिए, क्रोमोसोम्स के डायनेमिक्स के लिए रिपीटेटिव सीक्वेंस जरूरी है। यदि क्रोमोसोम के रिपीटेटिव सीक्वेंस में चेंज होगा तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, उसका इवोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो इट सेड लाइफ ऑफ द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर डायनेमिक्स एंड इवोल्यूशन। अंडरस्टूड? सबसे ज्यादा चेंज पाया जाता है क्रोमोसोम फर्स्ट में। जो हमारे क्रोमोसोम फर्स्ट है, हमारे पास कितना क्रोमोसोम है? 23 पेयर क्रोमोसोम है ना। जैसे ये हो गया फर्स्ट क्रोमोसोम, ये हो गया सेकंड क्रोमोसोम, पहले कर करके लास्ट में हो गया 25 पेयर क्रोमोसोम। एक्स होगा एक, वाई होगा, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक ऑटोजोम्स हो गया, ऑटोजोम्स 22 होता है और दो होता है एक एक्स और एक वाई। तो सबसे ज्यादा क्रोमोसोम, सबसे ज्यादा जीन क्रोमोसोम फर्स्ट में पाया जाता है। सबसे ज्यादा जीन कौन सा क्रोमोसोम में पाया जाता है? फर्स्ट। ओके, और सबसे कम वाई क्रोमोसोम में पाया जाता है। वाई क्रोमोसोम सबसे छोटा होता है और वाई क्रोमोसोम में 231 क्रोमोसोम जीन पाया जाता है। वाई क्रोमोसोम में कितना जीन पाया जाता है? 231 जीन। ठीक है, और क्रोमोसोम 1 में 2968 जीन्स पाया जाता है। सबसे ज्यादा जीन 2968 जीन्स फाउंड इन क्रोमोसोम नंबर 1। ओके, इट इज द मोस्ट जीन। हमारे डीएनए में टोटल 1.4 बिलियन ऐसे जगह है जहां पे स्नैप्स पाया जाता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, स्नैप्स। अब स्नैप्स क्या होता है समझिए थोड़ा। ठीक है, जगह में क्या आ गया? जी आ गया। ओके, तो यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस आया, यहाँ पे कितना न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस है? एक न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस है, इसको बोलेंगे सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, ये तो एक में दो डीएनए हुआ, और भी डीएनए ले सकते हैं। तीसरा डीएनए मान लीजिए यहाँ पे ले लिए, ठीक है, इसी पोजिशन पे लीजिए। क्या है? ए टी टी जी के जगह में ए आ गया, जी ए टी सी। तो देखिए इसी जगह से चेंज हुआ। ओके, कितना न्यूक्लियोटाइड में चेंज है? एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज है, तो इसको बोलेंगे सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। और इस तरह का सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म करीब 1.4 मिलियन देखा गया है। कितना देखा गया है? 1.4 मिलियन। ओके, स्नैप्स आर फाउंड इन ह्यूमन, ह्यूमन जीनोम में 1.4 मिलियन स्नैप्स देखा गया है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म देखा गया है। ओके, और ऐसा माना जाता है कि ये जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म है, ये विभिन्न एसोसिएटेड सीक्वेंस के लिए जो क्रोमोसोम लोकेशन होता है उसके बारे में ये फाइंड आउट करने में मदद कर सकता है। ओके, मतलब क्या कि बहुत सारे डिजीज होते हैं, और डिजीज क्यों होते हैं? सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज होने की वजह से होता है। सिंगल न्यूक्लियोटाइड में म्यूटेशन होने की वजह से डिजीज होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। तो ये सारे डिसऑर्डर पहचान में आए, इसके लिए स्नैप्स हेल्प करेगा। इसके लिए कौन हेल्प करेगा? स्नैप्स हेल्प करेगा, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म हेल्प करेगा। और इसके अलावा ट्रेसिंग ह्यूमन हिस्ट्री को ट्रेस कर पाएगा, मतलब ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में पता कर पाएगा, क्योंकि ह्यूमन जो है कहीं ना कहीं म्यूटेट होके आया है, म्यूटेशन से थ्रू आया है। कोई ऑर्गेनिज्म होंगे उसके डीएनए में थोड़ा थोड़ा म्यूटेशन हुआ और फाइनली इतना म्यूटेशन हो गया कि ह्यूमन इवॉल्व कर गया, है ना। तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म आल्सो हेल्प इन ट्रेसिंग ह्यूमन हिस्ट्री, ये ह्यूमन हिस्ट्री को ट्रेस करने में भी मदद करता है। ओके, मेनी नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म हैव आल्सो बीन सीक्वेंस्ड, बहुत सारे नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म को भी सीक्वेंस किया गया है। जैसे बैक्टीरिया है, ईस्ट है, सिनोटैक्टिस एलिगेंस क्या होता है? निमेटोड्स होता है, ठीक है, और ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला तो पता है
इन्फ्लुएंस किया गया है मैंने इन्फ्लुएंसर प्राइस और अभी डॉक्टरेशन इन सब प्लांट का भी इन्फ्लुएंस किया गया है। ये हो गया नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म।